श्रीगंज स्थित भाजपा कार्यालय के बाहर शनिवार शाम को लोग गायिका नेहा राठौर का पुतला फूंका गया। दरअसल यह विरोध प्रदर्शन भाजपा महिला मोर्चा द्वारा किया गया। यहां नगर निगम अध्यक्ष कुलावती यादव मौजूद रही। आरोपी की नेहा राठौर ने मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री के खिलाफ एक लोकगीत जारी किया है, जिसमें मुख्यमंत्री की तुलना कंस और शकुनी से की गई है। इसी बात के विरोध में महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पुतला फूंका है और सार्वजनिक तौर पर नेहा राठौर से माफी मांगने की मांग की है। पुतला दहन में महापौर मुकेश टटवाल, निगम अध्यक्ष कुलावती यादव, महिला मोर्चा नगर अध्यक्ष प्रमिला यादव, प्रदेश कार्य समिति सदस्य दुर्गा चौधरी, नगर महामंत्री संजय अग्रवाल की उपस्थिति में किया गया। इस अवसर पर महामंत्री प्रियंका सैंकर, कविता राठौर, शारदा राय, राखी श्रीवास, विद्या व्यास सहित अन्य महिलाएं मौजूद थी। आज जो है क्षेत्रीय उत्तर प्रदेश की लोक गायिका नेहा राठौर जी जो थी, उन्होंने हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, हम सबके लाडले भाई जिन्होंने लगातार बेटियों को और बहनों को आगे बढ़ाने का लगातार काम कर रहे हैं, उनको लेकर अपशब्द, कंस और शकुनी जैसे शब्द उपयोग में लाए, उन सबके लिए हम पूरा महिला मोर्चा प्रत्येक जिले में उसका विरोध कर रहे हैं और उनके शब्दों की भर्त्सना करते हैं और हम मांग करते हैं कि वो सबके बीच में, सबके सामने माफी मांगे। माननीय शिवराज जी चौहान, देश के यशस्वी मुखिया, उनके द्वारा नारियों के सम्मान के लिए, बेटियों के सम्मान के लिए, बहनों के सम्मान के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए जितनी भी योजनाएं बनाई गई है, आज तक महिला नेताओं ने भी इस तरह की योजनाएं नहीं बनाई। देश की प्रधानमंत्री इंदिरा जी भी रही है, लेकिन उनके कार्यकाल में महिला सशक्तिकरण का इतना काम नहीं हुआ जितना माननीय शिवराज जी के कार्यकाल में हुआ है। बहन बेटियों और बहनों के सम्मान में वे हमेशा तत्पर रहते हैं। उनकी बहुत ही अभिनव पहल और अनूठी और महत्वपूर्ण योजना लाडली लक्ष्मी योजना से घबराकर कतिपय तथ्यों ने सस्ती लोकप्रियता के लिए, उनकी लोकप्रियता को बनाने के लिए सस्ती लोकप्रियता और बहुत ही ओछी मानसिकता के साथ भोजपुरी गायिका नेहा राठौर द्वारा और बहुत ही हल्के शब्दों का प्रयोग करते हुए बहुत ही उत्सित मानसिकता के साथ शिवराज जी के प्रति जो गीत बनाए हैं, निश्चित रूप से उनकी जितनी भी भर्त्सना की जाए कम है। नेहा राठौर से माफी मांगने की मांग करते हुए आज इतना दहन किया गया है, निश्चित रूप से उन्हें अविलंब माफी मांगनी चाहिए।